भगवान की। ओमिया जी महाराज की। यो हम चाय पीलो पीली कोई हम बोले यो पुरुष पुरुष मेलो वजन ठीक है। सेल सुतानम वेद पुराणम ध्यान धर्या दुख को हरती हो जब भगतन में भीड़ पड़े मां अष्ट भुजा बल से भरती हो। लाल ध्वजा सिर छत्र विराजती छत्र विराजत सिंह चढ़ी वन में फिरती हो। मेरी मेरी कुबेर भई जगदम्ब विलंब कहां करती हो। सदा रंक नहीं राव सदा मर्दंग नहीं बाजे सदा धूप नहीं छाव सदा इंदर नहीं गजे। और सदा निकाला केस वेताल कहे विक्रम सुनो सदा निराद दे। कवि वेताल जी के सदा रंग नहीं रहा हमेशा आदमी है जो रंग के गरीब ने गरीबी तो को रहनी तो हमेशा महाराज करोड़पति भी को रहनी ऐसा। हाँ एक समाना तुलसीदास जी महाराज लिखियो है तुलसी सब दिन होत नहीं एक समाना हमेशा एक समान दिन वेली जन ओ जीवन रो जको अपनो जको चक्कर है जको महाराज आपा लोग निर्वाण होवे नहीं। सदा रंक नहीं राव के सदा मर्दन नहीं बाजे रोजी ने एक शादबाजी को बाजे निकाल हिंजाट देख ले शादबाज को बाजे निकाल। क्योंकि आज दाता री कोई बड़ी कृपा हुई है भगवान री कोई कृपा वे है जद अपने नगर में और आपने गांव रे मार अपने गुआड़ी रे महाराज भगवान री कोई कथा या ये भगवान रा जगह निशान ये शादबाज है जगह बाजे। बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखियो है जगी टेम हनुमान जी महाराज विभीषण जी महाराज की कुटी में गया बी टेमरे में विभीषण जी महाराज हनुमान जी ने देख करके बोले हनुमंत अब मोई भा भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं क्षमता। राम जी की कृपा बिना आपन आज की भगवान री कथा और सत्संग और संतों रो पदार्पण वो कौन सके महाराज। अब बड़ी कोई परमात्मा री है अपन लोगों माते कोई पूर्ण कृपा हो। देखो एक तो सबसे बड़ी बात तो आ है के प्रथम तो भगवान री कृपा बिना आपा लोग है जो राम जी री आज की कथा है जगी करवा कौन सका। मेरी अगर जे कृपा नहीं है तो कथा है जगी महाराज कर कौन सके गा कौन सके एक शब्द ही उच्चारण कर कौन हो नहीं सके महाराज। मेरी कृपा नहीं है एक शब्द ही आपा कानों में जो सुन कौन सका।
आज आप ब्रजमानिता गुणी जन हो तो महाराज अपार माथे कोई राम जी की पूर्ण कृपा हुई है जीव रे माथे जद महाराज कोई है कभी परमात्मा की कथा अपा जगह सुन रिया हां भगवान री कथा कर रिया हां। सदा रंग का नहीं राव और के सदा मृदंग नहीं बाजे, सदा धूप नहीं छा और सदा इंद्र नहीं गाजे। रोजी ने जो इंद्री गाजे को मार वही बेड़ा में गाजे। सदा न जोबन थिर रहे क्योंकि हमेशा जवानी है जो थिर कोरे नहीं मारे। कोई हमेशा लिए जो तकरियो घूम तो रे बाबू जी थारे मोछावनार बाल कोई ढोला थोड़ी उता है काला भमरा महाराज क्या बात है। बाकी समय रो चक्कर है महाराज समय आई जन ए जगो बाली ढोला हो जाए। आजकल तो बड़ कई मां बिचाड़ा है जगो डाई करावे आई मुकेश दाई पण भले मोखली कराऊ महाराज बात तो पाछी उतर जा है। माता मीरा कियो हो के और सखी मत पीपी माती अर मैं मद पिए बिन माती अरे मैं मद पीऊ मारे प्रेम भक्ति को जको मस्त रहूं दिन राती जको नशो करो जको तो उतरे है महाराज घड़ी दो घड़ी उतर जाए पांच घड़ी उतर जाए दो दिन उतर जाए। पण महाराज जी अगर जे नाम रो नशो है वो फिर उतरे कौन महाराज। तो भगवान रे जगह देवड़ो है भगवान रो जको स्वरूप देवड़ो है वो स्वरूप कदी है जको महाराज दी सुंदरता हटे कौन की तो ही भले चाहे ब्यूटी पार्लर में जार भले मुंडो धोलो कालो कराई आओ कहीं होए कहीं होने पसीनो ही के आवेदन लिखे राखिया के तावड़े मती निकलिया तो बजे रही कट। सदा ने जोबन थिर रहे और सदा ने काला केश अरे बेताल कही विक्रम सुनो अरे सदा ने राजा देश राजा रोई जगो देश है जगो हमेशा नहीं रहना है। बड़ा बड़ा वीर योद्धा संसार में होया पण मारा समेरे माथे बारो भी राज है जगो अटल रियो बोले। हाँ मरे सुम जजमान और मरे कर जायल टट्टू मरे कुलक्षणी नार मरे एक मर्द निकटू मित्र वो ही मर जाय और अड़ी में आडोन आवे नारी वो मर जाय जो पति को घर घर ल जावे। पंडित वो मर जाय जो हाथ से मदीरा पावे पुत्र वो मर जाए जो कुल के दाग लगावे अन्यायी राजा मरे अन्यायी राजा मरे और जा दिन सुख वर सोविए वेताल कहे विक्रम सुनो तो ए नवा मर्यो नहीं रोविए। कवि बेताल जी लिखे है के मरे सोम जजमान सोम के कंजूस ने मारा गणो हारो कंजूस वेर पचपीर आगे चाकरी करे तो देवाल पाई है क्योंकि कंजूसी कई प्रकार हुए कंजूसी भी बहुत गणी जगह कंजूसी काम दिया को क्रिया करे नहीं कोई भाई उतो जगे ने महाराज बाबू साहेब जो कालिंद्र खा गयो जन इन हाजरी लो महाराज मनदारी सर्प खायो इन्हें भी ने कोई है कोई जाड़ीगर ने वास्ते किया जाड़ीगर ने बुलार ले आया जंबी काल ने विचार गुरु भी जाड़ीगर आई और जाड़ो पॉइंटा कोई भाव दे अर पच गिरे हो जी जगनम पहली खोल लो ठीक रही हम वो पूछे के हां जाड़ीगर हां थे जाड़ो है जो कोई भाव दो हम जाड़ो कोई भाव कोई सीणी थोड़ी है जो कोई भाव दो जाड़ो हां तो जाड़ो तो देव तार इष्टु लागे जनबी जाड़ीगर हम लियो भाई जन भी क्यों भाइयों हैं कि टमाटी रहा तो 25 रुपया है अर बिचू रहा है 50 अर गोगी जी रहा क्यों हो रुपया है तन कोई खाओ रहा जन भी विचार क्यों रुपया है जो घोल आ गई जगनो 25 रुपया में अपना काम निकल दी तन को नहीं समझ ना तो बस टमाटी खाओ रहा उठे धन साहब दे उधारो हम वो झाड़ी कर काप रहे हैं साहब इन दाड़ो दे जन भी कई देर विचार करियो भी भाई काल ने कौन नीर खाउड़ तो अपन कालिंदर है अरे जाड़ो टोंटी लगवावा
यार पिस्तर री प्यो रखा थे जो महाराज जान चली जाए हां जण देख रे क्यों है दाढ़ी का बोले हां क्यों थोर तुम लगे आते हर कई हरडा टामो कालाले आऊं तो थोर म कोई गए तो बा कंजूसी भी काम री को मरे सूम ददमान अर के मरे करजाइल टट्टू हमारा टट्टू के घोड़े ने कसर आलो है नीर खाओ है वो कोई काम रो है महाराज मरे कुलक्षणी नार कुलक्षण वो स्त्री अर मरे एक मर्द निकट नकटो आदमी तुम्हारा वैसा तो मरे ही भला तो फिर के है मरे सूम ददमान मरे करजाइल टट्टू और के मरे कुलक्षणी नार मरे एक मर्द निकट पुत्र वो मर जाए और के कुल के दाग लगावे और पंडित वो मर जाए जो हाथ से मदिरा पावे ब्राह्मण होते वे मदिरा पान करे तो महाराज बस वो तो ब्रह्म तत्व में जो महाराज रहित है ब्राह्मण वो मर जाए जो हाथ से के मदिरा पावे अन्यायी राजा मरे के जान दिन सुकबर सोवी कवि वेताल जी कहे के वेताल कही विक्रम सुनो ए नव मरिया नहीं रोवी नव मर जावे भले बार रही तो महाराज कोई रोनो नहीं तो कभी लिखे एक बार कहीं बात बने हैं भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों कैलाश भवन में वहां बैठा है और इन्हें भगवान शंकर है जगो का तो समाधि में वहां बैठा और का जगो बड़ा झट डोकरो है जगो उठिया और रवाना होया पार्वती जी कोई पौंडा पचास एक परे बैठा पार्वती जी मन में विचार करे बोले गांव गांव तरह जाओ जन पूछ को जावे नहीं कोई बोले बाबा कट जाओ शंकर भगवान है दुखियों पाथल फोरन के कट करो नाम दे मने मृत्यु लोक में जानो है बोले थोरे कणी मृत्यु लोक और कणी ब्रह्म लोक और कणी विष्णु लोक और कणी वैकुंठर थाने क्यों ग्रस्त उठाई कोई है तो पार्वती जी भगवान शंकर ने कोई कह कई बातों बने देखोनी अरे हरि शंकर के ओ भोला अरे के दीप हमारी घसगी मैं तो हरे जगदी ओ बाबा के आज
भगवान की। पार्वती जी भगवान शंकर ने कह बोले बाबा खेतो मारा के बोला सूजी मित्री पियो हो भंग। अरे और के प्रभाते तीव्र उदास होगी मैं तो तंग क्यों तो थारी घर ग्रस्त हूं ये जगह काटी तंग आईडी हूं देव क्यों मृत्यु लोक में जाओ जन मैं तो क्यों मारे तीव्र जाती रहे। शंकर भगवान देखन के बोले धीरे धीरे बोल गौर जा तू हे मारी नारी। अरे अब के गुनो माफ कर दो बोलिया मीठी वाणी मारे लहर लगी है गंगा तट की अबार मन क्यों मृत्यु लोक में जाना इनरे वास्ते आप कुछ मत कहो। पार्वती जी देखन के बोले बाबा हम थोड़ा आगे आ जा हम महाराज पांच यार हट या करे क्योंकि बाल हट जोग हट त्रिया हट राज हट तो पचबो हट छोड़े नहीं। अरे कवि लिखो है कामन सुन भी किसा और हर कोई जोड़े हाथ राधा आगे राधिया देनी में तिलोकीनाथ। अशक्ति है क्योंकि शक्ति तू सामर्थ है और तेरा अदब निराला है भेष और तेरे आगे झुक गए वो ब्रह्मा विष्णु और महेश। भगवान शंकर देखने के बोले मृत्यु लोक रमाते हाथे तो आलो पण बढ़ते लुगाई री जाचक हो। अरे मृत्यु लोक रे महाराज सुख थोड़ो है और दुख घणो है। अरे बट कोनी देखड़ी रबड़ बेसी बदाए दे हो जन मार तो मुश्किल हो जी। भारती जी के नहीं महाराज आप और बीच में आ मा तारणी गंगा है और मैं बीच में जको बोलू लाई नहीं। शंकर भगवान देखने के ठीक है आप बीच में शर्त है आप कठी बोलो ला नहीं। अब भगवान शंकर और पार्वती जी दोनों रवाना होया जन कणी नांदी रे माथे शिवजी रे कणी शिवजी रे माथे नांदी और कणी ऑटोमेटिक चले महाराज चलते चलते और भगवान शंकर जगह जगह सावण रो महीनो और भगवान शंकर दी जगह जगह राम धोनी लागे अभिषेक होए भगवान रा भक्त लोग जय जयकार करे मंदिरों रे मां शिव दिवाले रे मां पण भगवान शंकर तो हम ही नहीं देखे डोगरो। पार्वती जी मन में विचार को देखो कितो कितो भक्त है जो जय जयकार करे पर डोकर तो हम ही को देखे नहीं। जय ही भगवान शंकर एक नगर में आया और बठे नगर रे बीच में और कोई देखे है कि एक गोबरू निपोड़ी चौकी और भगवान शंकर 50 कदम परे जो खड़ा होली और डोकरे जो यो लांबो पादरो हो अर बट हाथ लो नाक रगड़ी हुई चौकी रे माथे दंडवत प्रणाम करियो। अर पार्वती जी रही जो बोले बोले बाबा लारे किता किता बड़ा तकड़ा मंदिर आया भक्त लोग है जो हजारों थोरी जय जयकार करता और थो है जो हम ही देखियो कोनी। आठ आ एक ले गोबरू निपोड़ी चौकी है और जगी ने थो है जो हाथ एला नाक रगड़ी है। भगवान शंकर देखने के बोले महाराज मैं तन पहली क्यों भी बीच में बोलनो कौन। शंकर भगवान ने पार्वती जी के बोले महाराज हमें तो नहीं बोले जो गुरु झूठो क्यों को बोलो नहीं बतानो पड़ी। भगवान शंकर देखने के बोले पार्वती आ एक पांच पंचोरी पंचायत री बैठक री चौकी है इन माते पांच पंच है जो विराजमान होवे और इसो न्याय करे कि दूध रो दूध और पानी रो पानी महाराज। आजकल वाला जगह न्याय है नहीं एड़ा न्याय को करे नहीं महाराज। आजकल वाला जगह न्याय है जगह महाराज अलग तरह से है जगह कलिकाल रो पेरो है। आप जैसा महापुरुष बुजुर्ग है जो पुरानी समय में अपने संसार में काव तो चाले के कोई मान सरोवर है जो अंश उड़ियो अंश और अंसोनी उड़िया जन अपना उन जगह पक्षी यानी जगह आज लोग के जगह मर्यादा रमा है आपा श्याम री टेम रे में एक बोरी है जो चुगो खिणाई दो महाराज एक दानो को चुगे। अरे सुबह होते ही जो ही प्रभात रो टेम होयो अरे महाराज दी चक 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 करन लाग दी अर जो ही है जो दानो पानी चुगन लाग दी मनुष्य जो महाराज कोई आधी रात रो ज्ञान न कोई पाळी रो ज्ञान महाराज क्योंकि हम कुएर में भांग फडूड़ी है केने के महाराज पर नशो थोर कियो आउड़ पर धगणो एक रेड़ो ही रहे जण बे अंस और अंसोनी एक नगर में आया अभी नगर में आया बट नगर रे में जो दिन बदियो अर दिन बदने के बाद रे में बे जो पक्षी जो पेंडो करे कौन। हम एक नगर रे में महाराज वृक्ष रे माथे बा विश्राम लियो
आदि रात्रि समय हुई भी टेमरे में भी अशोणी देकर पूछे बोले पति देव ओ नगर यंग के सुनो सुनो की कर लागे क्योंकि इनमें कोई बोल चाल नहीं कोई महाराज दे दो भगवान री कथा कीर्तन नहीं जीती रे कोई परे खेल दे मोए गगू बोलियो जन भी अंश दे करके बोला सोनी ई गांव ने जो को मारा ती गगू खाली कर दियो क्योंकि गए घर री नारे जगीवा घर घर डोले और महाराज गए गांव में गगू बोले जन भी बा गगू वा बात है जो भी सुनी और बिन बा खारी जहर लगी बड़ी कणे दिन उगे कणे जाऊं हम जो ही सुबह रो टाइम होयो तरबो बट गियो जार बा राम जी राम करियो बैठो बोले भी थे मारे प्रजाति रहो और प्रेम चाल राजा हो तो थोड़ी की गरीबरी कुटिया की हालत देखो मारी घर हालो आप ही कोई मेहमान प्रसंगी अपनो आवेदन बिन आप ही घर ला करके चाय पानी रो पूछाइया अब हमारा भी खेल डेर में एक मोटो कोई जो अपन वो खगोत्रो हो बिरु बनाउड़ो घर भी हंसणिन देख रियो थे जगो भाभी साई मकान में बैठो अरे मैं भाई 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 दोनों है जगो तईज करो हम कई देर हुई जो दिन चढ़न लागियो अरे भी हंस देख रियो ले भाई हमें मानो तो अगले पियोने जानो है बहुत लंबो पेंडो पड़ियो है दूसरे मान सरोवर जाओ जन भी गगु देख रियो ठीक है जाओ महाराज जनी को जाओ जन तू की अलगो हो जगो थारे घर में मुआ थारी भाभी साहब जी बारे आवे बोले आ थार भाभी साहब कते होई आ तो की लुगाई मारी है अरे बेटी रे बाप हम पर देख तो है जो यो न्याय करे हम हमारा धनी रो धनी कोनो जन भी अंस विचार करियो काई करो गांव रे में कोई पंच है कोई मन बुलार लंबा है जो को न्याय करूं मुखिया आदमी है हम हंस गांव में आयो आकर के पांच पचास ने भेड़ा करिया भेड़ा करके इस प्रकार में तो आयो थार गांव रे बार ले पाड़े कोई खेल डी माती गगु रे बी जो कुमारी हम पर देख लुगाई खोस ली कि हाल भाई थारो न्याय कर जन महाराज बेवन लाइया जन भी एक दूसरे की कोई चाल पकड़ पकड़ और खींचना हरू करे बोले वा लुगाई तो हंसरी है पर आपा ने ई गगुर पक्ष में न्याय कर दो आमने गांव रो है अर काल ने आ हंसोनी है जगो आपने गांव रे मा है जगा हंसोनी रही जन महाराज हंसोरो गांव बजन लाग जी ईरा बच्चा होई जन महाराज कोरा हंसी हंस होई जन ओ गांव में जगो बस हंसोरो बज जन सब बेबट खेल दे कने गिया जीते महाराज बा एकदम रेडी रेट बात ने जगी गोटली जसा पक्की कर ली महाराज जो ही गिया और भी हंसने देख रबा क्यों कटे भाई थारी लुगाई किसी है बता बोले आई घर में बैठी है बोले ए बेटी रे बाप हां पर तो ही कूद बोले आ तो बेचारे रे मैं बस आगे खुद बरात गिया के मैं पनार ले आया ईरी जे जन हंस विचार करियो बेटो हाथी करिया तो हमें क्यों तू थारो कोई रस्तो है जगो कर जो ही वे गांव वाला बटो रवाने हो या वो न्याय कर और अंश उड़ारी खाई अरबी टेमरम अभी गगु है जो पांख जाली बोले भाई यो है आ लुगाई थारी है तू ले जा हूं कोई तो निर्दयी कौन तो बबार तई ते ओ कोई करियो बोले महाराज ते कयो रात के ई गगु गांव ने खाली कर दियो मैं को करियो गांव ने खाली आ करियो है मुठी हिंगाणा कर दियो महाराज पंचो मैं को करियो तो महाराज ऐसा न्याय है जगह हमारी कली काल में चाले बाकी भी कैमरामैन न्याय दूध रा दूध और पानी रा पानी हा तो अंश भगवान शंकर पार्वती ने ऐसी बात की पार्वती क्यों महाराज इया किया माना क्योंकि चमत्कार बिना नमस्कार को थोड़ो की सैंपल बताओ जन भगवान शंकर के बोले पार्वती सैंपल बताओ जन बद रबड़ बदी बोले चाहे महाराज कुछ भी हो जन भगवान शंकर देखन पार्वती ने क्यों यूं करो कथे सुगंध चुड़ी बन करके और ओ पीपल रो वृक्ष ई पीपल रे वृक्ष रे माथे बैठो और पछ देखो चौकी रो चमत्कार का काई चौकी चमत्कारी है किया मैं इन नाग रगड़ियो किया इन दंडवत प्रणाम करियो है तो भगवान शंकर पार्वती जी जो सुगंध चुड़ी बन करके भी दरखत पर बैठे है और इन्हें भगवान शंकर आप रूप है जो चेंज करे है क्योंकि वे तो सामर्थ्यवान है वे तो रूप चेंज कर सके हमारा सामर्थ्य को ना दोष गुसाई रवि पावक और सुर सरी के नहीं मान कोई दोष ही को नहीं भगवान शंकर भी चौकी री नजदीक रे मा पड़ोस में एक शिवचंदो नाम करके जाट अरे शिवचंदो क्षेत्र मा सावण रो महीनो अड़वाऊ ने गियोड़ो और इन्हें भगवान शंकर मौको देख अरे भी शिवचंदो री रूप धारण करियो और जाकर के कोई है जुगबा घरों गेट है जो को बजावे है और कई बात बने देखो आवार कौन सा अरे अंतरी ध्यानी
ओ मेरे शिव शंकरी आ एक जाट घर आए रे महादेव जाकर के और घर की कुंटी बजाई मान मानी सती मान के शंकर बार बार समझाई भगवान शंकर जाकर के वो घरों गेट वो बजायो और जाटनी माँ है जो कुछ रसोडेर माँ की काम करती भी विचार करो भी गेट कौन बजावे जो यहाँ करके वो गेट खोले है और आगे शंकर भगवान ने शिव चंदो बनुड़ा एर भी जाटनी देखिया है विचार करो भी सोरेर पापा आया तीसरे खेत और वह कहीं कह देखो अरे तेजी से दरवाजा रे खोला ओ जल्दी रे कैसे आए रे जाते तुम जल्दी कैसे आए Bye.
भगवान की। जय हो भगवान शंकर। जो ही गेट पे आगे आकर के खड़ा हुआ और बात चौधरा ने पूछे, बोले तेजी से दरवाजा खोला और जल्दी कैसे आए? इतना क्यों बेगा की कर आ गया? आज खेत में क्यों काम हो गयो? भगवान शंकर देखने क्यों यो है? आज खेत में क्यों हड़बाव? तो भी टेमर में एक मोटो कोई तलबा उठायो अड़ियो है जो टूटियो उपरियो बसीर जन्म अड़ मारा टूट गयो जन खेती कौन करो जन विचार जो भी खाती सुपार करो अड़े जगह ठीक करा लाऊ जन गांव आनो पड़ियो। फिर मन ने विचार कियो भाई काल में कोनी विचारी है जगवा दो कोस रूप खेत है यार बातों ले रहा है बिन मा बड़ फोड़ो पड़ी जगना हो तुम घर आल रोटी टीम तो या ले कने जन विचार नहीं देख लियो कोई बढ़िया बात है ठीक करियो था मनी दो कोसरो फोड़ो को पड़े नी चूर मेरो बाट को भरियो जुगो जिम लो एर मारा पच खेत जाया एर या ताड़ ताड़ गोल दृष्ट कर लो हम शंकर भगवान शिव चंदो बनुड़ा एर महाराज वो चूर मो जिम और लारे पिछोड़े में छांद जगीर मो रेस्ट करे एर वो जुगो असली जाट शिव चंदो बाबड़ो खेत रे मा ली के भी माथो आवे माथो तो बस आया हूं लागी बातो हम बिचारो कोई है कि तीन बजी जन हपो भूको मुड़मुड़ करके और गांव को नहीं देखे विचार करे भाई आई क्यों कौन कोई बात है आज कोई प्यूर की प्री कोई बात हुई तीन बदी दिन कोई है कि मैं बल्दियों ने छोड़ ओड़ो में ऐ रिसोण हो यो क्यों भूखे आदमी ने रीस ज्यादा आवे ऐ बटो ए जगो खातो खातो घरे आयो है और जोर मार करके और जोरदार एक लातरी लगाई भी गेट रे और जाट ने विचार करो भाई अबे बड़ कोई फेताड़ा दूसरो कौन आयो बड़ तो बा कोई दरवाजो खोले है और कोई आगे भले महाराज भी सुई शिव चंदो और देखे कई बात बने देखो अरे सर अरे सर ओ तेजी से दरवाजा रे खोला अरे देखो रे जाट को रे रूप जाटनी देखो जाट को आगे जाकर के छांद में देखे तो शंकर भगवान आराम से जो रेस्ट करे
भी जाट मन में भी चाहे कुछ तो कभी फोटो ही कंचायो कौन अरे थारे जेड़ो अरे सेम टू सेम ओ कौन है जन भी चौधरी देख और भगवान शंकर ने क्यों तू कौन है शंकर भगवान देख राल समोरन के बोले तो शिवचंद हूँ ये गरोधनी हूँ तू कौन है कोई बेरूपी मारे जेड़ो ऊपर रायो अब वो के घर और लुगाई टावर मारे वो के घर और लुगाई टावर मारे दोनों आपत्री माँ महाराज बस बेदन बद गयो लड़न लग गया जनबा चौधरन एक मोटो है जो बांस लाई बेकी हार उदू हुई एर दोनों ने देखा यार का एक ही सकल और एक जड़ी सूरत विचार करो जी आपोले घराले लागी नहीं तो आपोले मोरियो मारा जाओ तो टेम को लागे नहीं विचार करियो क्यों काई करो एर महाराज मन में है जो गयो भाव प्रकट हुयो भी पंचौरी पंचायत्री चौकी ने माथे चालो और बा चौधरन दौड़े है और बे तो दोनों बड़े लड़े भगवान शंकर और शिव चंदो अरे बाबा पंचोरे कने गई है और पार्वती जी देखो सुगन छिड़ी बनोड़ा बोले हमें कोई न कोई आई है जो वो देखा डोकरे कोई करियो है अब जार बा पंचोरे कोई कहे देखो अरे दोड़ी जाटनी गाम पीछाड़े पंचों ने जाए पुकारी जाटनी पंचों ने जाए और बा पंचों ने जाकर के कहे के न्याय करो और अन्याय हो रही हो बोले कई बात है बोले मैं हूं किणवी नारी दो मेरे जाट लड़े घरवाई अरे मान मानी सती मान शंकर बार बार समझाई डी जाकर के और बा न्याय दीस लगे पंचा माने जार कहे बोले मुझे नहीं हूं बताओ के मारे घर रे मां दो एक ही सकल और एक ही सूरतरा दो जाट है जगह लड़े है मन यू पतो कौन भी मारे घर धनी किसो है जन बा पंचों देख रही क्यों वाई सुंदरी अच्छी बात करे तू कम कम है जो को 50 वर्ष तारे घर रे धनी रहते रही तने घर रे धनी रो जान कोनी ठाको पड़े तने बी कियो थेई की मैं हूं 20 वर्ष पहली रेउन लागिया थोरो ही भाई है थेई ओढ़ कर बता दिया अब हमारा बे पंच जगो भेड़ा होकर के और एक बार मो पंच जगो भोलो बिन भेजेगा तू यो कर जा करके और भी शिव चंदेरे घर रे आगे जा रहे लो कर शिवचंदा शिवचंदा जो कोई शिवचंदो आवे बिन पकड़ करके लिए महाराज कोई न्याय है हम अभी जा करके हेलो मारे बोले शिवचंदा ओ शिवचंदा अरे बड़ा दौड़ कर आया दोनों बंदा महाराज हम एक ही जेड़ा महाराज किसे ने ले जावे मन में विचार तो बड़ी मुश्किल हुई तो हम महाराज वो पंच गाई करे है अरे पंचों ने इकटारे हो करी ओ भुलवाया शिव चंदा रे पंचों भुलवाया शिव चंदा
सोने इकटारे हो कर बुलवाया शिव चंदारे पंतों बुलवाया शिव एक रूप दो जाटे देख बट पड़ गया भारी फंदा लेकर सालो पंथ हटाई माने मान सती मान लेकर सालो पंथ हटाई हे माने मान सती मान बोले बाबा अरे बारी बार इकट्ठा होकर और बुलवाया शिव चंदा एक रूप दो जाट देख बड़ पड़ गया भारी फंदा अरे क्या ना लेकर चालो पंच हटाई अरे मान मान ये सती मान शंकर बार बार समझाई भी पंच विचार जो भी आमने तो विवसर हो दो है को यो करो अन दोनों ने घोंटा जाल अरे भी पंचायत्री चौकी मत ले लो बटी कोई भी पंच या प्रेम कोई सोच विचार कर तो देखी जाए हम दोनों शिव चंदन लेकर के आयो मन में विचार करियो ये वारे डोगरा हमें तो क्यों मारी हम इसमें कुआं बंद भी मोड़ो किस है बनियो तो हाथों ये है जय हो हम विचार करें पार्वती भी ठीक है देखी जाए हमें ये पंच की करने आओ करें तो भी पंच विचार करें पर महाराज पांच पंचोर मां आप बुजुर्ग यूं किया करो के पांच पंचोर मां परमेश्वर रो वासो है परमेश्वर कहने के है भगवान ने भगवान रो वासो हुए है तो भी पंच न्याय करे जो को मां सरस्वती की कृपा हुए महाराज तो भी पंच विचार करे है और क्या ही है जो मारो न्याय है जो को शुरू करे है और जुगती बनावे न्यावरी और कहीं कह देगा बड़ी प्रेम सुंदरी बात है क्यों ठीक है हुकुम समझ में आवे कोई वादन कड़ी क्यों जको पहली अरब कंठो वे भाई रे अरे पंचों ने अरे पंचायती करी के ओ कलसी रे एक मंगाई रे पंचों कलसी एक मंगाई
पंचों ने के पंचायती करके और कलसी एक मंगाई मां पंचा गाय करियो आप त्रिमा सोत और एक मिट्टी रो कोरो है जो घड़ो मंगायो और वे पंच देख रहा दोना सिंह चंदा ने कहे कि तीन वैर जो घुसे कलश में उसका ये भवन और लुगाई और झगड़ा क्यों बंद करो मेरा भाई क्यों है जो लड़ाई करो था दोना रमा जको आदमी तीन वारी गड़े रमा बड़ निकल दी भी रोई ओ घर और लुगाई और टावर है बाकी रो जो शिव चंदो है जो हमारा डुप्लीकेट है जन वो ओरिजिनल जाट हो असली वो बिचारो बटो रवाना हुई बा पंचों देख करी बोले कोई है जावे थिया बोले हां प्रत्येक थे मारो घर लुगाई टावर है जगह ई बेरू तीन दे दिया थे हमारा भाई हो बेटी बापा एड़ा न्याय करो थे ई सारो करियो क्यों रुक जा मिन्ने कोई कोई गड़े में पड़ी जे गए मैं तो क्यों सको मोटो ड्रम ही को पड़ी देनी बादे करी क्यों तू रुक मारो न्याय है साबरो भगवान शंकर बा पंचों ने देख करके है थे तो एक बार भी बात करो और ऊही गड़े रमा है जो 20 बार बड़ू और निकलू जन पार्टी दी बड़ बैठा बैठा मन में विचार जरूर भी ओपणो ओ है मिन खौ थोड़ी बड़ी जे गड़े मां कदी मारा तो भगवान शंकर बा पंचों ने कहे अरे तीन बेर क्या अरे घुसू रे कलस में ओ पीछे बेर घुस जाऊं रे पंचों पीछे बेर घुस जाऊं कड़स में बीस बेर घुस जाऊं रे पंचों बीस बेर घुस आ मेरा घर और मेरी है लुगाई था पंचों ने दिखला रे यूं के उसे कड़स बीते बोले शंकर भगवान की भूमिया जी महाराज की भगवान शंकर बने के तीन बेर क्या घुसू कलश में और 20 बेर घुस जाऊं थे तीन बार भी बात करो वो तो 20 बार बढ़ू और निकलू पंचों विचार के लिए बड़ी जन तनी था बढ़ दी गए भगवान शंकर एक बार भी कलश में बढ़ करके निकलिया और दूसरी बार बढ़िया और जो ही तीसरी बार बढ़िया है और वो पंचों आप रो न्याय है जगो बड़ चेंज करियो है और भी पंच काई करे देखो अरे तीजी रे बेर जब ओ घुसे रे कलश में ऊपर दे दिया ढकना रे पंचों ऊपर दे दिया ढकना
कड़स में ऊपर दे दिया ढकना रे पंतों, ऊपर दे दिया ढकना। अरे भूल जाएगा भैया हा और किसी का घर घर नारी रे रखना साथ में, घर और नार बारी बार समझ आई मान मान सती मान। बोले शंकर भगवान की, भूमिया जी महाराज की, जय भगवान शंकर। तीसरी बार भी कलश में बढ़िया और तीजी वेर जब के घुसे कलश में मां ऊपर दे दिया ढगना पंचे जो भी हबड़ ढगन लगा दियो महाराज, जो ढोकलियों री खामरे किए लगा हो जो लगायो महाराज। और वे पंच कहे के भूल जाएगा भैया और किसी का घर और नारी रखना, तनी ठा पड़ी के भाई दूसरे रो घर अड़ प्यों पाई वे। अब वे पंच विचार करे हैं जगो वो असली शिव चंदो है बिन देख करके बोले भाई तू तो फिरी है तू तो जा सके ओ घर लुगाई के टावर हैंग क्यों थारा ही जाए भाई। ओ जगो शिव चंदो है जगो महाराज कोई बेरूपी है डुप्लीकेट है। अब पार्वती जी मन में विचार कर डोकरो ने हाथों रोड़ियो है पण महाराज डोकरो ही करे कोई बात तो बेदन तो आपो ही बदायो पण देखी जावे हमें आगे कोई होई तो जो ही वे पंच विचार करे भी इरो तो न्याय हो गयो पण आपा हम ओ जगो फेताळ है जगेरो कोई करे क्योंकि काल ने कोनी रे जेपट कोई दूसरे रे भड़ कोई गिरे भड़दी घर में तंतशी होई जन बार माई एक भोलो पंच पांचा रमा भी भोली दे कर क्यों भी रोजे नू थोड़ो कयो मानू हूं आज थोड़ो ते मौली बात नहीं मान लो बोले कोई क्यों मैं कहूं ज्यों करो नी कलस रो बोले क्यों तू आज तू के ज्यों कर दे हूं जन वो के आला ला देरा हगीड़ा कांटा एन मिल्डो चिन एक दो को हाथ रो बीर माथे मेर एन इर नीचे जो बाय दे लगा दो महाराज देखी जाए जो दूसरे को भड़को ही रुड़ाओ कौन करी क्योंकि बात तो थाल में दम है तो वे पंच विचार करे और कोई कह देखो अरे पंचों ने ओ इकट्ठा रे हो करी अरे चिता रे एक बनाई रे पंचों चिता एक बनाई कलश को इसके अंदर ही देवो आग लगाई रे ये सुने पार्वती घबराई माने मान सती मान ये सुने पार्वती घबराई माने मान सती मान ए मान मान सती मान ये शिव जी बारी बार समझा करे पंचों ने के इकट्ठा होके और चिता एक बनाई रखो कलश को के इसके अंदर और देव आग लगाई विचार कर और चौकी तरफ भी सहमति दे दी कि ठीक है तू कह जो कर हम चौकी एक चिता सीनी और भी कलश ने ऊपर रखो और जो ही पार्वती जी देख करके मन में विचार लो सा मैं तो लांपो दे जीती ताल है आ तो गलत हुई बात जिनके ये सुन के पार्वती घबराई अरे मान मानी ये सती मान शिव जी बार बार समझाई तो पार्वती जी विचार करे मन में भाई पंचों न कन जाऊं नहीं जाऊं
तो पार्वती जी कई मां पंचा ने कह रही है और कई बात बने देखो चाय पी लो कोई आवाज एक दिन थे बंद करो थोड़ा अरे सर हे शंकर भगवान की श्री भोमिया जी महाराज की जय हो। थोड़ी थोड़ी जय तो थी बोलिया करो की चोखो लागे बजरोदन जय बोलिया करो सर कचो को लागे कौन ठीक लागे आहा हम कल ठीक थी पार्वती जी मन में विचार करियो और हमें तो शंकर भगवान ने महाराज है तो घड़े में बंद कर लिया तो मैं जड़ाई जन पार्वती जी बट एक बूढ़ी ब्राह्मणी रूप धारण करियो और बड़ भी पंचोरी चौकी के माथा वे और पंचो ने कहीं केर कई बात बने देखो नहीं अरे पार्वती पंचों से बोली अरे न्याय मेरा भी कीजे रे पंचों न्याय मेरा भी जन पार्वती जी के मेरे पति की सेवा कारण और ये कलश मुझे दान में दीजिए मारे पति की सेवा करूं अन रे वास्ते थे मन को घड़ो है जो गोदान में दे दो पार्वती मन भी जो अपन दान में दे दई ढकन लगो करो शंकर भगवान ने काट गिलास तारे भी पंच पार्वती जी ने दे करके बोला नहीं औकलस में दो कौन बोले मशा मुश्किलों में जग में कब्जे करियो है तू यो कर ए 5 रुपया ले जा और कोई कुमार रे घरों है जो कोई दूसरो कलस लिया और भी मैं जो थारे भगवान शंकर जी की पूजा कर जो भी कर पति की सेवा कर
तो वे पंच के पार्वती ने अरे इस कलश को अरे छोड़ सुंदरी अरे इसमें रे आफत भारी सुंदरी इसमें आफत भारी अरे इसमें आफत कछु भी नहीं भाई ए भोले भंडारी रे थारो में न्याय परखने आई माने मान सती माने थारो में न्याय परखने आई माने मान सती माने भोले बाबा ए बारी बार भगवान की जय हो जय हो जय हो। बे पंच पार्वती के बोले हे सती ओ कलश है जिक्र छोड़ कलश तू यो कर कोई कुमार रे करू बीजो लिया और इनमा बहुत बड़ी भारी आफत है इस कलश को छोड़ सुंदरी के इसमें आफत भारी। पार्वती जी देखकर विचार कर हमें तो हाथी क्यों इज पार पड़ी मैंने नहीं छोड़े को जन पार्वती जी कह के इसमें आफत कछु भी नहीं। पार्वती जी कह इरमा आफत कहीं को नहीं मारा तो है भोले भंडारी इरमा भगवान शंकर है और थारो के में न्याय परखने आई बे थारी चौकी रो न्याय चमत्कार देखने वास्ते और बड़ नहीं बधायो मैं पार्वती हूं। जन पंचों देख रही हूं भगवान शंकर है पार्वती जी विचार को भी शंकर ना ले तो छोड़ दे इरवा जन पंचों की ताई को छोड़ो हमें पार्वती जी में फंस गई बड़े छोड़ो बोले बाप जी की छोड़ो बोले जने छोड़ो के जको भी ई नगर रो आदमी कोई भी जीव अपनी एजगी भगवान रे द्वारा देवड़ी उम्र जगी पूरी कर अच्छे ढंग तेर महाराज अगर भगवान रे दरी खाने जावे भी केमरे मा बिरी मोक्ष प्रदान करे जन छोड़ो नहीं तो छोड़ो को पार्वती जी देखकर गडेर कनदार की बोले महाराज गांव वाला मोक्ष मांगे थोड़ी सी शेरी ढकंडे वार कर भगवान शंकर मांगे ए जग बफी जुड़ा क्यों दे दो थोर कन है जण पार्वती जी के बोले महाराज मोर कन होती तो मैं जणी दे देता बंग देवणी थोनी पड़ी ए नहीं दे होती मो बफी जो यार इयो जग बास ते जगार एकदम रेडी करू रे को भगलो सीधा सीणुड़ी जण भगवान शंकर देखन के बोले जाओ भगवान शंकर रो वचन है मा तारणी गंगा मारे सिर पर वे सांद सोज की शाख है जको भी नगर रो आदमी 100 साल री उम्र पूरी कर और भगवान रे दरी खाने जावे तो मैं बिरी एजगी मोक्ष प्रदान करूंगा ओ मारो वरदान है अम हमारा जो ही मो पंचो वो ढक्कन हटायो हटायो और का भी भगवान ने निकलन दा यार कभी कलश है जो महाराज ने काठा जकड़ लिया मा बोले महाराज कड़ जाओ बोले भाई तू बड़ कोई है थालो बड़ रगड़ो कोई है बोले थे जाट रे घर चूर मु जीमिया और जाट ने सारी बातों रो ठाट दियो और गांव वालन दे दी मोक्ष मारी तो रगड़ रगड़ हान छाती छोल दी गए कहीं तुम्हारो ही होना चाहिए। भगवान शंकर कहे बोले भाई आई बात ठीक है जठे भी धार्मिक कोई भी
कथा है, जागरण है, सत्संग है, व्यायाम है, सगाई है, जकेर मा प्रथम पूजा है जगीजा, थारी कलश भी होयो मारो तन वरदान है। एक और है, दूसरो वरदान तन दो देऊंगा वरदान। बोले कोई कह हमेशा तुम हमारे शिव दिवाले रे मां जट हमारी शिवलिंग है वीर ऊपर है जो तुम हमेशा लिए जो को लियो रहे थार मां मारो है जो को निवास होय हमें पार्टी दिन देख रही हो हमें क्यों केला सालों का बड़ी ते हूं गणी है पार्वती जी देख रही क्यों महाराज हमें केला सो कोई हमें हूं बोलूं कौन थयो करो आगे कोई जे थोड़ो गांव तरे तो बड़ कर लो। तो भगवान शंकर और पार्वती रवाना होया और चलते चलते और बेड़ और बेड़ कोई नगर आयो और भी नगर में भगवान शंकर है जो रुके और पार्वती जी तो बड़ बोल गया महाराज क्यों कह रही जे कौन महाराज के बोले भाई तने एक बात हूं आगे नहीं कहतो तो खटे तारी कौन ईर कद खटी पण महाराज भगवान शंकर ने पार्वती जी कहीं कह देखो अरे एक समय एक एक ही नगरी में एक ही समय ओ एक ही नगरी में ओ शिव पार्वती आए थे। अरे शिव पार्वती आए थे अरे ठेरे थे एक ही ब्राह्मण के घरी तीन सक्ष पाए थे। जो पाते हैं भाई उत्तम नारी जो
भोले भोलिया जी महाराज की। भगवान शंकर और पार्वती जी उठा रवाना होया और एक नगर में आया तो के एक समय एक नगर में शिव और पार्वती आए थे और ठहरे थे एक ब्राह्मण के घर के तीन शख्स वहां पाए थे। भगवान शंकर जो इन दिन बदियो और महाराज पार्वती दोनों एक ब्राह्मण के घर में रुकिया और भी ब्राह्मण के घर में तीन सदस्य कौन के दो माँ बेटे और एक ब्राह्मण था, एक तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी और एक मारो छोटो है जो को लड़को। अरे और बड़ी बारी है जो घर में नादार की। अरे वो घाटे में घबराए थे, आते देख करके शिव शंकर को चरणों में शीश नवाई थे। भगवान शंकर ने आवता देखा, अरबा विचार करे कोई संत है और क्योंकि मन उतो मारा धन उतो कौन कने। गणवारो आदमी है जग दे दातार वेर खने जे प्रेमो की नहीं है तो मैं दातारी कौन ही करे। तो वीर वास्ते बड़ा धन भी जरूरी है। आते देख कर शिव शंकर को के चरणों में शीश नवाए थे, भाग दौड़ वो लगे सेवा में। भगवान शंकर ये जो जड़ी तड़ी अपने घर में होती जड़ी ये जो सेवा करने लग गया और सेवा सिर ढाते हैं। अरे कर्महीन कंगाल चांदड़ी कवि के वो कोरे ही रह जाते हैं। अब जो ही वे सेवा में लग गया और पार्वती जी में दया ज्यादा आई क्योंकि लुगाई री जात ने दया घनी आवे और दया जीती करनी चाहिए, जीती है जगह आदमी री पौसरत हुई थी दया करनी चाहिए। नहीं जन महाराज दया भी कटी कटी गड़बड़ कर दिया करे। कोई अंश और अंशवणी है जो मान सरोवर माथे बैठा टेचरी रे माथे कर बिरखा आई और जचार कोई है कि मैं पड़ियो जो को पानी है जो बराबर कर दियो। हम उंदर रा दिल होता जो उंदर दी कणी तो कोई है कि डुबकी खा जावर कणी मुसो बीजुड़ा रूसा आवे। जन अंशवणी दया आई, अंशवणी देख कर कियो बोले पति देव ओ बिचारो जीव है अरे पानी रे मो डुबकी खावे अरे मरी जो आप यूं करो इन्हें जो बाहर निकालो। अंश देख कर कियो बोले ज्यादा दया मत कर। बोल नहीं आत्मा करनी पड़ी हमारा दंश पड़ियो जो पकड़ चौंस में बार लार नोकियो पानी टेचरी माथे का दुदन लागियो पानी में बीजड़ो दुदन लागियो। अंशणी देख रही बोले पति इतार मर तो कोनी पानी गर्म हो बाकी हमें वो मरी ये थैयो को डग में देर की गर्म करो। अरे अंश देख रही और हमके काल देना हाथ गाले अबार तई कहीं कोनी हो। बोल नहीं महाराज अंश भी डग में दियो और वो जो ही गर्म हो आप काम चालू करियो। हम अबे माओ कहे के पोंख्यों करड़ करड़ियो बाजन लागी हंस हां हंस विचार करियो बोलो भी देखो कारखाना चालू कर दियो मशीनो और जई है देखो यो फर ऊंची करी और पोंख्यों रो नीचे खर देन बिगलो हो गयो। हंस देख रियो ले बड़ कर दे तो हंस कहे आ दया करी जल बीच नीच एक तीर्थ आया और हंसने दया विचार नीच पर करी सहाया। पंख कतर लिए नीच ने पंख कतर लिए नीच ने और ओड़ो किणने दीजिए। अरे ऐसी दया से दुख उपजे तो ऐसी दया नहीं कीजिए। दया करी के जल बीच नीच एक तीर्था आया और हंसने दया विचार और के नीच पर करी सहाया। हमारा सहायता करी जन के पंख कतर लिए नीच ने रोड़ो किणने दीजिए। ऐसी दया से दुख उपजे तो ऐसी दया नहीं कीजिए। ज्यादा दया ही कौम ही कौन मारा दया जट जट ही कौम करे जरूरत है बीज गया। तो पार्वती भगवान शंकर के जा दया न मत कर ला रहे थे दया बिचारी जन मेहरमो इज बूंदी हुई अब की बापड़ो मन तो यो मौती लागे। तो भगवान शंकर पार्वती भगवान शंकर ने और कह देखो अरे इन तीनों को दुखी रे देख कर ओ मन पतन उचारे भाई ओ मन पतन उचारे। अरे अन्न धन से भंडारी भरो शिवी मरे बिचारे भाई अन्न धन से Thank you.
कबरा पीछे पड़ी हमारे। अरे नहीं लिखा है भाग में इनके हम कुनी बे बनहारे। नहीं लिखा है भाग में इनके हम कुनी बे बनहारे। और भगवान शंकर ने पार्वती जी कहे अन धन से भंडार भरो शिव ये भूखा मरे बिचारे महाराज। और अन धन भंडार भर दो थे भगवान देवादी महादेव आयडा हो अरे बड़ी ये बिचारा घर में जो गरीबी है। भगवान शंकर कह रहे बोले हे उमा। शिव शंकर तब के कहने लगे क्यों पीछे पड़ी है हमारे। अरे नहीं लिखा है भाग में इनके के मुकुन देवना रे। और भाग में लिखड़ी कौन तो हूं कोई देव क्योंकि बिना भाग बिना भीख मिले ना। बिना भाग आदमी ने भीख मांगनी जे निकल जाऊं दबाई को मिले ने महाराज। अरे सर हरियों के वेद शास्त्र जाते हैं जो होते के निर्भाग चांदरे कवि के वो कोरी रे जाते हैं क्योंकि भाग में लिखियो लिखियो ही मिले। कोई महाराज है जो कथा रमा कहियो कोई लिखियो लिखियो मिले। अर सवार मा कोई बैठो अपन दे बी दे करके बोले महाराज लिखियो लिखियो मिले जन हूं आज घर रोटी नहीं जी मन को जिमा दे कोई बोले अगर जे लिखियोड़ी है महाराज देख करके जरूर मिले। घर गियो घर जार गरों देख रही आज महाराज रे महाराज शर्त होगी जिद हो गयो जो आज हम घरे जो रोटी को दीमन बा देखियो कि जा गयो ना लोया बाद रे हो करे सब हाथ खावे जो कहीं डेढ़ किलो आटो कम पावणो पड़ी महाराज आज आज रो तो नेचो होयो विचार करियो के को नीर घर कोई मेहमान ही आ जा अरे महाराज बिने जो अपन हागी बैठनो पड़े आपा यो करो गांव बारे ही जालो गांव बारे कोई भेरूदी खेजड़ी होती जार भी भेरों दी खेल दी माता बैठ गयो भी अट कोई को आवे। हम कई देर हुई और बट जात्री आया बाणिया जो को पांच किला लाडू और छाप लाया भेरू बाबे रे पांच लाडू चाड हम बाणिया की तो प्रसाद लियो एक लाडू मुंह के चिपटी चिपटी ले बाबे रो प्रसाद ले लियो क्यों भाई भेरों दी प्रसाद आगे को आले बाणिया तो बड़ो निकल गया अभी विचार करे बड़ो लाडू आ गया अरे महाराज ने बात दी कदा साथी नहीं हो जाए। अरे मोती चूर रहा महाराज जीतीर बढ़ गई दिन बदीरो टेम और हम पर देख दिन बदन लाग गया चार सोर आया सोरों विचार कर लाडू ने सुकुन कटू आवे आगे देखियो कि झाप रे मो लाडू है किला पहुंच पड़या और लाडू पड़या आदमी दी से कौन कोई बात है। हां ऊपर देखियो और कबो भाई बैठो बोल तू बोल नीचे उतरू कौन बोले उतार दो नहीं जानो। अच्छा भाई जेर गात लाडू मेल आवी चोर मर जाओ धना पोरो नीचे उतर के उतरू कौन उतार में जानो दो जना ऊपर सड़िया जो टेकियो नीचे और लाडू का बोले खाऊं कौन महाराज रे महाराज जी दोड़ बोल थारे महाराज जी दोड़ अपन जी दोड़ कौन दो हम एक थापरी रे एक लाडू रे एक मुखी रे एक लाडू पांच किला गिटा दिया हम दिनों का महाराज बस हिजा तो घर तावी करे कोई दिनों का नावा दवा कर महाराज रे कन थक जार बैठो महाराज कड़िया ही क्यों भी लिखियो लिखियो मिले वो आज जोड़ हो गयो क्यों महाराज लिखियो लिखियो तो मिले पर सीना जोरी कर हागे थापा मुखी बड़ो है बात हम कही कौन है तो बिना भाग कुछ नहीं मिलता है सदनों। भगवान शंकर
पार्वती ने कह बोले सुन मारी बात। तो पार्वती कह नहीं प्रभु इन्होंने कुछ ने कुछ देना पड़ी। तो पार्वती जी जिद कर ली है और भगवान शंकर ने कह रही है आवार क्यों अरे पार्वती सभी कहने लगी भाई ओ शिव शंकरी हो घर जाके भाई शिव शंकरी हो घर जाके ये क्या करता है कर में चोर हमें देखेंगे क्या करता है कर में जाके अरे क्या अरे करता है कर्म जोर हम देखेंगे अजमा करके कि अजमा था तो करो भाई और भाग्य की तो काम करे जन भगवान शंकर देख रहे क्यों के एव मयस्तु के शिव शंकर बैठे आसन लगा करके भगवान शंकर बड़ आसन लगायो और पार्वती के जाओ यम तीनों ने कह दे के तीनों घरे मो तीन सदस्य हो और एक को वरदान मांग लो बाकी रूम देवाल को पार्वती जान देखने के बोले भाई थोने घर भगवान शंकर आया है और थोने जो तीनों ने एक को वरदान देनो चाहे और आप है जो धन माल जो कुछ मांगनो है जो मांग लो। एवं यस्तु के शिव शंकर के बेटे आसन लगा करके और इन तीनों को मैं वर देता मन इच्छा फल ला करके एक एक को शिव शंकर अब वर तो देना चाहते हैं। अरे कर्म हीन कंगाल चांदड़ी कभी के वो कोरे ही रह जाते हैं। हम पहली बार है जब वो ब्राह्मण हम यो भाई घरो मेन वडेरो तो जीते वा महाराज वा ब्राह्मण देख बोली अगर ओ कनी के आजकल राज लुगाए रो साले पहली थे मने मांगन दो भगवान शंकर आईड़ा दिन बजे हूं की घर में रसोड़े में मने काम करनो पड़े। ब्राह्मण देख रही की तू मांग ले पहला हम की खतावल करी खतावल में नाम गड़बड़ हो गयो क्योंकि महाराज सौदरी रे और कोई मींजी रे जगो बड़ी बारी है दोस्ती है जन एक दिन कोई हो को जो क्यों का री इच्छा प्रबल है मेरी इच्छा ने कोई है जो आदमी आपों से कुछ भी करो हरी इच्छा ने कोई आदमी है जो नावड़ पहुंच सके महाराज जन एक दिन भी मीन जी री कोई है कि कोई बेटो जो खत्म हो गयो जन सौ दिन देख क्यों पहले साधन होता कटा महाराज कोई फोन रहा साधन होता ना कोई गाड़ी मोटर साधन होता कोई आदमी री द्वारा समाचार करना पड़ता
जन भी मीन जी देख करके बोले यो कर भाई चौधरी जगी ऑन आर में तो नमस्कार है पर तू यो कर के हार है जा जबर समाचार तो दे रहा वन ठा पड़े भी थोर पौण आए जग वफात पा गया जन वो चौधरी पांच सात दिन उमड गियो क्योंकि पैदल पे तो जन मारा अगलो वो मियो जो को भी ने ओळख तो भाई हमार हगेर हगेर उनलो आदमी है हर चौधरी ने देखियो आओ तो बोला आओ 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 चौधरी जी आज कोई मेले मगरी जाओ का कोई पास तो बड़ा भला दर्शन दिया महाराज काया कोई अठी आया बोल नहीं थोड़ा हगे भेजियो है अठी आयो बोले की कर जन चौधरी बेव तो वफात तो नाम भूल गयो कर क्यों थोड़ा पावण आए जगह बिलात पा गया जन मीन जी की जान करियो भी बिलाई तो के जर छोरो कोई नौकरी लागी हुई बिलाई तो फॉरेन में आमने बाई ने जो सुख हो क्योंकि पावण महाराज कोई बढ़िया नौकरी में जन छोरी धोखो हुई है सीधी सीधी बात है अर माइत्र जदी जी छोरो मां मियाणी ने ऑर्डर दियो कि बढ़िया दो चार तरी तो सब्जियां बना ले एक तो मटर पनीर ही बना ले देखी जाए जो जो एक आ जड़दा हां मौसम ठीक है अर की गोंद बाग भी जोर की और बढ़िया बढ़िया कोई व्यंजन बना ले अंबे बारे जो महाराज तई करे दोनों अर जो भी मियाणी मां छौंका देना हरू करिया अर बा हिंगरी खुशबू आई अर चौधरी भी चांद ऊपर तो रोला कुकु वेओ अर आठ जो कोई बढ़िया बढ़िया रसोई बनावे कोई बात है का तो अपन फर्क है का यो फर्क है पण पहले जीम तो लो दसार बस बात करो चौकी तेरे ठूस ठूस तेरे जीम हगीड़ो अर जई दोनों मानसा डाल बैठा अर पूछियो बट चौधरी जी बोले मियां जी यूं बताओ थे थोरे उर्दू भाषा रे मो जन्मणे ने परणे ने मरणे ने थेलो कोई क्यों बोले भी बात एक ही है थे जगह हिंदू वो जगह थे यूं क्यों भी बच्चों जन्मियो में एक है और आज पायो है अर थे को ब्याह अर मे को निका अर कोई बूढ़ो बड़ो 100 वर्ष कर जा बिन थे यूं लोग कहो के भाई 100 वर्ष कर गयो या स्वर्गवास हो गयो धाम प्राप्त हो गयो अर मे को वफात पा गयो क्यों भूलियो थोड़ो पौणो बाईस पाउड़ो है गड़बड़ मारे होगी महाराज तो अब हां कि थोड़ो थोड़ो ऑन इंग्लिश स्टाफ ने राजी करना जरूरी है महाराज बाबू जी इर वास्ते थोड़ो कहणो पड़े हो तो इन्हें भगवान शंकर वरदान देनो चालू करियो तो पहली बार वो ब्राह्मण है जो वरदान मांगनो शुरू करे तो बीच में ब्राह्मणी ब्राह्मण ने कहनी पहली माने मांगण तो बा कोई वरदान मांगे कई बातें बने देखो की थोड़ी सभा में नहीं है जो चायदार की अमल भी जोर दियो यो की कणके करो साहब अरे पहली रे बार जबी बोली रे ब्राह्मणी ए सारे बारे में चांद रे प्रभु ए सावर पे टकी वाली परी ने आ
राजा ले करी जाते हरे भाई राजा ले कर जाते हैं हर में गंगा जी जी महाराज की पहली बार बा ब्राह्मणी वरदान मांगे भगवान शंकर ने कहे डोगरा वरदान दे ओई ओदन बदर कम क्यों दो और भगवान शंकर के मांगो जिनके पहली बार जब बोली ब्राह्मणी और ऐसा वर में चाहूं अरे हे प्रभु सुंदर शान और नौजवान अर मैं एक इंद्र की परी बन जाऊं हे प्रभु मन वरदान देवनो चाहो तुम्हारी जगह 80 साल री उम्र है जगी ने पलट करके और 16 साल री एक इंद्र दी है जगी अप्सरा रूप दे दो बताओ कि तो फूट रो मांगियो कोई करी पण महाराज हम के जैसा मांगा वैसा हो गया ज्यों के बतो भगवान शंकर वरदान देवा जैसा मांगा वैसा हो गया आगे का जिक्र सुनाऊं एक राजा की आई सवारी के इनको मैं ले जाऊं बटकर राजा री सवारी बे होती और राजा देख मन में विचार कर इंद्र भी अप्सरा अट ई गरीब घर रे मा कोई ले महाराज राजा पकड़ भूखियो और ए जगो आती रे ओदे बैठा ली आती पे चढ़ वाली परी ने और राजा लेकर जाते हैं और कर्महीन कंगाल चांदरी कवि कवि के वो कोरी रे जाते हैं अरे जई है जो तुम्हारा वो आती रे मा चढ़ा करके राजा रवाना होया और भी छोरे देख करके बोले बाबा आ मां जावे नहीं हो ओदा ठहर जावे कठी कोने माळो वरदान बाकी पड़ी होनी तो ब्राह्मण भगवान शंकर ने केवल डोगरा फूर्ती करो भगवान शंकर के मांगो कने ब्राह्मण कोई वरदान मांगे अरे दूजी रे बार जबी ओ ब्राह्मण बोला अरे दो वरदान जरूरी रे प्रभु दो वरदान दूजी बार जब के ब्राह्मण बोला दो वरदान जरूरी
जहां गई है नार हमारी प्रभु बा होनी चाहिए गिलसूरी है प्रभु बा जगी इंद्रिय अप्सरा बनी है बिन थे जग गिलसूरी बनाई दो अम महाराज भगवान शंकर रो बड़ वरदान ताले हो एव मयस्तु के श्री शंकर कर दी मंचा पूरी। अरे हाथी से गिरवादी राजा ने और वो पहुंचे मंदिर अधूरी। राजा लार ने देखो है तो बा गिलसूरी बनोड़ी दंड का करे और राजा मन में विचार का तो गिलसूरी बनी अरे महाराज अगर जी सिंगनी बन जाती तो एक बच को उभरा तो कोई जगो देव अंजन है जादूगारी है कोई राजा है जगो ठोगी कोनी रो वजीर नीचे नोखी। हम महाराज बा उड़ उड़ करती घर में डोले मानुस लठ डाते हैं टिंगर है जगो लारे बाटा फेंके कई सुंदर दोई है जगो महाराज जी डंड क्यों इज फेंके और फिर फिरा और बड़े बड़े डोकरो एरबा सोरो उतावटी यार पाथी बैठी देन सोरे देख के बोले बाबा मां इया किया होई हो बोले मन ठीक है मियां नी रहूं दो महाराज जी। भगवान शंकर दे कर इशारो करियो पार्वती जी ने बोले कियो लियो कोई हम वरदान एक ही बाकी है हमें ओ थोरो कोई तो कोई कई। हां तो भगवान शंकर किन के बेटा तू ही मांग ले मैं तू लारे क्यों रे एड़ो तू मांगी बस क्यों के महाराज वही एक तरीको है मांगने रो सेठ जी यार कोई सूरदास हो गया जन क्यों किसे भगवान ने याद करूं जो बेगो प्रश्न हो क्यों महाराज ओ ये देवादी देव भोलोनाथ शंकर सेठ जी पड़या जो मैंने एक नौकरा लिया अरे भगवान शंकर है जो क्यों मांग मांग अरे लार ने दे क्यों सेठ हो क्यों महाराज वचन दो का भगवान शंकर पाथल खोली बोले पौणी है कोई ना कोई कोई मांगी। भगवान शंकर दे कर क्यों एक वचन मांग ले बाकी रूं देवाल को हम सेठों ने बातों अगली होतनी जन सेठों होत क्यों अगम बुद्धि वे दो क्यों महाराज सोनेरी थाली में जीम लूं अरे पोतेरी बहु ने आंखों देख लूं इतो दे दो हम कितो बढ़िया मांगियो भी सोनेरी थाली धन बिना होवे कोनी अरे पोतेरी बहु है जो आंखों नहीं होवे देखी जे कोनी। भगवान शंकर देख रही बोले बड़ो ही जादूगर है तू तो भाई अरे बठी कोई एक भाई तो जो घराणो कोई ग्रीसाणो निकल गयो निकल तो निकल गयो महाराज पण हम विचार करे बट पाछो घरे जाऊं जन लोगियो कोई ई मुंडो धणी तू आयो तो ठी नहीं तो ही मरिया हम करो कोई तीसो मरो अर का जोग कोई कल्प अक्षर नीचे बैठो अर कल्प अक्षर नीचे बैठ करके जगी चीज की कल्पना करे भाई चीज हाजिर होवे अर का विचार करे हे प्रभु पानी में तो प्राण बचाओ अर का महाराज एक जारी आ गया ऑटोमेटिक मिले बढ़ तो पानी पियो अर का विचार करे कि जीमन वाला प्रबंध होवे तो अर का थाल सदर आ गया जीमर विचार करे भाई की आलस हो कि हमें की सोन वाला प्रबंध हो जाओ तो अर का महाराज सो कोई खिली ना खेलो तो मानसो आ गया तकी हमें तुम्हारा अगर भी जगह वो सुतो सुतो मन में विचार कर लो तो मन भगवान दर्शन दे तो कितो बढ़िया रहे तो बिल जरूर भी कल्प बक्सरी आक्रामात है भगवान दर्शन दे तो पण विचार करो निंद्रो में हम एकला अरे हर हर कोई आदमी कोनी अरे जे सिंगार खा गयो तो तुरंत सिंगार खा गयो बताऊं देव नाले री कमी कोनी तो मांगने रो भी तरीको है। हम तीसरी बार एक ही वरदान बाकी है अरे वो लड़को मांगे भगवान शंकर हूं और पार्वती दिन भगवान शंकर दे करके हमें देख लीजिए कोई मांगे हो तो भगवान शंकर ने वो कहीं कह कहीं बात बने थे कहानी अरे तीजी रे वार जबी लड़का बोला ओ देखी माँ का आने प्रभु देखी माँ का अनेस अरे प्रभु मेरी माँ का रूप बना दो बिल्कुल पहले दे
और वो लड़को के हे प्रभु मैं दाया था ने वरदाना हूं प्रभु मेरी माँ का के रूप बना दो बिल्कुल पहले ए महाराज हमारी माँ पहली होती मैं घर में होता जड़ाई कर दो महाराज। अब तीनों वर पूरा होया अरे पले पड़ाना एक पैसा अरे के कालू राम के बिना भाग बिना वो रह गया पहले जी सर। अरे नई रंगत का नया भजन हम सभा बीच में गाते हैं जो होती निर्भाग चांदड़ी कवि के वो कोरे ही रह जाते हैं। पार्वती ने भगवान शंकर देखने बोले क्यों पार्वती मैं तन कहो नहीं पहले बोले महाराज आपकी कृपा बिना और कुछ आदमी हासिल नहीं कर सके भी परमात्मा की कृपा हो यदि आप लोगों ने पद प्रतिष्ठा मिले और परमात्मा की कृपा हो जब भी कुछ आप ने जुगो भजन में मन लागे और रामगिरी जगी महाराज नाम रे मा जुगा पारो मन लागिया करे नहीं तो महाराज नहीं लागे ऐसी जगी भगवान की कृपा है महाराज। बोलिए शंकर भगवान की भूमिया जी महाराज की कर्णदेवा